गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। स्कॉर्पियो एंड ली और उसकी माइलेज चेक ना की जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं आ गया हूँ अभी आपको हाईवे की माइलेज दिखाने के लिए। तो फिलहाल मैं देखिए फ्रेंड, मैं इसको कर रहा हूँ मेरी गाड़ी की माइलेज, तो कल मैं ड्राइव फंस गया, फिलहाल ये दिखा रही है, पर मैं अभी इसको करता हूँ ट्रिप करने के लिए। मैं अभी सीख रहा हूँ भाई साहब, अभी ये है गाड़ी मेरी, अब इसको मैं कर देता हूँ ट्रिप। मैंने 20-0 कर दिया है और मैं अब इसको ले आता हूँ भाई साहब माइलेज के ऊपर। तो अभी हम चेक करेंगे कि इसकी, ये भी मैंने इसकी भी, ये भी 0 कर दिया फ्रेंड। तो अभी हम चलाएंगे अपनी गाड़ी को, क्रूज करेंगे गाड़ी को और देखते हैं कि ये गाड़ी हमें क्या माइलेज देती है। तो चलते हैं इस मिशन के ऊपर। तो फिलहाल मैंने इसका क्रूज ऑन अभी किया नहीं है, मैं एक स्पीड के ऊपर मैं इसको क्रूज सेट कर दूंगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी स्कॉर्पियो एन कितनी माइलेज देती है। 80 पे मैं क्रूज करूंगा फ्रेंड इसको, क्योंकि तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, मुझे गियर तो कोई सेट नहीं करना। जैसे ही 80 आएगी मैं इसको क्रूज मार दूंगा और आज देखते हैं टॉप पम टॉप क्या माइलेज निकालती है स्कॉर्पियो एन। 2200 cc का इंजन है डीजल का इसका और ऑटोमेटिक गाड़ी है फ्रेंड ये। और मैं अभी जा रहा हूँ सोहना की तरफ, क्यों जा रहा हूँ आपको मालूम पड़ ही जाएगा। फिलहाल गाड़ी आ गई है 70 पे, मैं इसको कर देता हूँ अभी 80 पे। क्रूज हो गया है एक्टिव, थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही है, थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ इसकी। तो फ्रेंड अब जब इसकी माइलेज होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। फ्यूल गाड़ी है, टैंक टू टैंक भी करूंगा, क्योंकि टैंक मैंने कल फिल करा लिया है, लेकिन अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि हाईवे पर अगर मैं क्रूज करता हूँ गाड़ी को 80 पे, जैसे कि मैंने सफारी का दिखाया था, तो क्या माइलेज होती है। फिलहाल कैमरामैन जो है मेरा बेटा बड़े वाला आ गया कौस्तुब, वो बना हुआ है रिशान, आज जोगिंदर घर पे सो रहा था, कल शादी में गए थे, बहुत गंदे ट्रैफिक फंसे थे भाई साहब, तब भी 13.5 की माइलेज दे दी थी मेरे को। तो अभी इसकी माइलेज देखते हैं क्या आता है। तो फिलहाल हमने इसको भैया क्रूज किया हुआ है, 78 पे है, जैप मोड है इसका। अभी मैं दिखाता हूँ क्या मुझे माइलेज दिखा रहा है, शायद यही मतलब होता होगा इसका। ये मुझे फ्रेंड दिखा रहा है इस पर 11 की माइलेज मुझे शो कर रहा है MID में, और देखते हैं। फिलहाल ये AFE का मतलब होता होगा कि ये फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा है मुझे, पर फिलहाल ये 11 पे है, 78 पे ये क्रूज हो रखा है, 12 की हो गई अब, लेकिन देखते हैं आगे टोल टैक्स आने वाला है कि कितने की मुझे माइलेज ये देता है। फ्रेंड जब मैं गाड़ी का थोड़ा स्टीयरिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा जा रहा है लेफ्ट की तरफ, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं जा रहा, जैसे मैंने अभी सीधा कर दिया स्टीयरिंग को, अब देना वैसे तो सीधा है, पर देखो ये लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो गया, तो यानी कि लेफ्ट की तरफ स्टीयरिंग भैया सभी गाड़ी जाता है क्या। और आपको दिखाता हूँ कि माइलेज क्या होगी भैया, देख लीजिए अभी इसमें माइलेज शो कर रहा है भाई MID में, 15 की माइलेज आ गई है, पहले 11 थी, 12, 13, 14, 15, अब ये, लेकिन दिक्कत में यार ये सिर्फ माइलेज शो कर रहा है तो कितना किलोमीटर रन हो गया वो नहीं दिखा रहा। फिलहाल मैं सोना की तरफ जा रहा हूँ, टोल टैक्स तक देखूंगा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फिर लंबा रन करना पड़ेगा मुझे, फिर तो KMP रह गया भाई, KMP होगा तो मैं KMP दिखा दूंगा, लेकिन MID में थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा मुझे। 15 आ गई है, ये ऐसे 16 हो गई, ये ऐसे बढ़ा रहा है मुझे, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे आएगा, पॉइंट्स में ये शो नहीं कर रहा है। तो अभी 16 हो चुकी है, मुझे उम्मीद है कि मेरा अगर क्रूज चलता रहे से तो भाई ये 20 पे टच हो जाएगी। ऑटोमेटिक गाड़ी Z4 2200 cc, 175 bhp और 370 nm टॉर्क है इसके अंदर। 16 आ चुका है, जल्दी शेयर करेंगे। अब तो टोल टैक्स ही आ गया, देख लीजिए अब मेरी गाड़ी का पहला टैग कटेगा, क्योंकि हम आज एक बहुत महान हस्ती से मिलने जा रहे हैं, वो बता देंगे आपको, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, पहले भी मैं उनसे मिल चुका हूँ। टेक्निकल नॉलेज लेनी है तो भाई टेक्निकल लोगों की वीडियो देखो, और अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए स्कॉर्पियो एन की या किसी भी गाड़ी की तो आपका कौशिक भाई है, ब्लॉग देखो मजे लो। 17 से होगी भाई, देख लीजिए 17 आ गई भैया MID में, और KMP जाएंगे, और भी लग रहा है इसमें उम्मीद है कि बढ़ जाएगी, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो फिलहाल ये मेरा सोहना की तरफ जाते हुए पहला टोल आ गया है,
खुल जा भाई, खुल जा 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 खुल जा, गो खुल गया भाई। हमारा पहला टैग पेटीएम चल गया है, लेकिन मुझे दिक्कत ये हो रही है कि भाई ये ना हो कि जो वहाँ दिक्कत हुई थी वो दोबारा से इसमें हो जाए। मैं अभी भैया इसमें दोबारा से रिज्यूम कर दूँगा वो जो मेरी लगा था। क्रूज़ एक्टिव हो गया, मैं सिखाऊंगा अभी क्रूज़ कैसे होता है। बहुत सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और मैले 17.5 की हो चुकी है। तो भाई लग रहा है कि मुझे सफारी की जो मेरी कमी थी उसमें, तो भाई मेरा MID में 22, 23, 24, 25, एक बार तो 28 भी आ गया था। वो भी लंबा लंबे रूट पे चलाएंगे 30 किलोमीटर। अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा चला नहीं हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें MID थोड़ा सा एनालॉग जो है ये थोड़ा सा, पर चलो कोई नहीं यार, बेस मॉडल है, करते हैं जो भी है। थोड़ा देखो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। और बताऊँगा मुझे क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है आपके भाई को। और आज एक बहुत बढ़िया शीरा याद आता है मुझे, आज उनसे मुलाकात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। तो चलते हैं दिल्ली NCR के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल के यूट्यूबर से मिलने के लिए। आप लोग जो जानते भी होंगे और देखते ही पहचान जाओगे। फिलहाल 17.5 KMP आएगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा लंबे रन पे 50 किलोमीटर लगे। और अभी टैंक मेरा फुल है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और बिलीव यू मी, कल मैं भाई दिल्ली गया था शादी में, मैंने 1.5 किलोमीटर का सफ़र 1.5 घंटे में पूरा किया है IIT होजकास के पास, फिर भी मेरी गाड़ी ने पता नहीं क्या माली दिखाई थी। और आप देखिए भाई 18 टच कर दिया, देख लीजिए 18 MID में आ गया है, और मेरे पास से शायद गुजरने वाली है एक बहुत अच्छी टाटा सफारी गाड़ी। ये देखिए दिखाता हूँ आपको मैं, ये गुजरी है सफारी अपनी। गाड़ी का नंबर किसी और का है, अपनी नहीं है भाई, लेकिन इसमें 18 आ चुका है। क्या हाईवे बनाया गडकरी जी, थैंक यू वेरी मच। गुड़गांव से सोना का सफ़र भाई इतना कम हो गया है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ भाई, इससे स्पीड बढ़ती है भाई। देख लो मैं बताऊँ आपको क्रूज़ कैसे सेट करना है, बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्शन शायद रिफ्लेक्शन से वो लाइट ना कट रही हो, आगे वो भी आएगा DMRC भैया, दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर 18 पे, जो मेरे लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर है फ्रेंड, ये भी बहुत जल्दी 1.5-2 साल में चालू हो जाएगा। फिर आपको वडोदरा जाना हो, गुजरात जाना हो, या आपको मुंबई जाना हो, तो यहाँ से सुना है 12-13-14 घंटे में पहुँच जाएंगे। अब हम सोना में एंट्री कर चुके हैं, सेक्टर 33-34 है, बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है यहाँ पे, थैंक्स टू गडकरी जी। पर हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे तो भाई पता नहीं कब बन के आएगा। और फिलहाल फ्रेंड मैं दिखाता हूँ MID में क्या शो रहा है। MID में आ गई है फिगर 19 की, नॉन AC है, पता नहीं यहाँ पे यार ये पता नहीं बटन क्यों चल रहा है, चल जाए यहाँ पे। अब ये मुझे बताना कैसे बंद होता है, अभी मैं जिससे मिला रहा हूँ मिलने भाई यूट्यूबर से, उनसे पूछूंगा। तो 19 तो इसमें आ गया है, और आगे आगे देखते हैं भाई क्या होता है। क्रूज़ किया हुआ मैंने इसको, 80 के आसपास का क्रूज़ है। और फ्रेंड ये जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं ये कोई मैं प्रिपरेशन नहीं करता इसकी, ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ये तो मैं जैसा हो रहा होता है उसके हिसाब से व्लॉग बनाता हूँ। लेफ्ट हैंड पे मेरे आ गई है ये फ्लावर वैली है, कोई बिल्डर है, काफ़ी दिनों से काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स आ गए हैं, और लग रहा है कि मुझे अगर मैं KMP में इस गाड़ी को चला दूँगा 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो भाई ये मेरे को यार ये फोर्ड फिगो वाला ना बहुत तंग कर रहा है। अब इधर आ गया, 19.5 तो आ चुकी है, 20 होते ही मैं आपको दिखा दूंगा। या इतने बड़े बड़े CC अगर गाड़ी की इंजन क्रूज पे मुझे 20 दे दे और ऑटोमेटिक गाड़ी, तो क्या कहने हैं इस गाड़ी के। अच्छी गाड़ियाँ मुझे मिल ही जाती है, ढूंढ लेती है मुझे गाड़ियाँ। सफारी भी मेरी बहुत अच्छी गाड़ी थी, मेरे दिल के करीब थी, और जो भाई सफारी यूज़ कर रहा है मज़े लो, बहुत बढ़िया गाड़ी की आपने ऑन की है। ऑटोमेटिक है तो लग्जरी है, मैनुअल है तो थोड़ा दिक्कत होती है जब आप ट्रैफिक जैम में फंसते हो। ट्रैफिक जैम में जब आप फंसोगे तो आपको थोड़ा सा पेन देती है। अब इसका स्टीयरिंग मैं देख रहा हूँ, स्टीयरिंग लो भाई 20 की भी माइलेज से मैं आ गई है, देख लीजिए। अब आप देख लीजिए भाई, आपके भाई ने 20 की माइलेज दिखा दी है, और जैसे जैसे ये स्टीयरिंग भैया इसमें इलेक्ट्रिक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ जो ये स्टीयरिंग है इस गाड़ी के अंदर टिल्ट होता है ऊपर नीचे, टेलीस्कोपिक नहीं है, लेकिन जैसे गाड़ी की स्पीड अब जैसे 80 की चल रही है तो ये जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा हैवी हो गया है। इलेक्ट्रिक है, Z4 ऑटोमेटिक में, और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है हाइड्रोलिक है मैनुअल में, तो प्लीज़ ध्यान रखना इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक के अंदर आता है। पावर दोनों में सेम आती है, 175 BHP 175 BHP, हो सकता है 21 भी आ जाए। गाड़ी चलाने भी होती है, अगर मैं जाऊँ मान लो 400-500 किलोमीटर तो ऐसा ना हो कि यार मैं इसको भी 30 पे टच करा दूँ,
मैंने कुछ नहीं किया हुआ, सिंपल ऑटोमेटिक गाड़ी है, मैंने तो गियर भी चेंज नहीं किया हुआ। और भाई ये अभी अभी 2100 तो दिखा दूँ आपको मैं कौशिक भाई के चैनल पे, आपको सफारी के तो आपने बहुत रिव्यू देखे हैं, एक एक चीज़। स्कॉर्पियो एन के चाहने वाले भी हों जो बेस मॉडल के टॉप मॉडल के, वो भी ज़रूर देखना। अभी मैं फंसने वाला हूँ ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक में फंस जाऊँगा तो फिर क्रूज हटाना पड़ेगा मेरे को। ये क्रूज हट गया है लेकिन माइलेज दे ली भाई साहब, अभी किसकी माइलेज आ गई है 21 की माइलेज शो कर दी है भाई। और मैं जैसे ही अभी दोबारा लगाऊंगा तो जहां तक मेरा ख्याल है, जो मेरे मन में डर था कि भाई फोन आ गया, देखो किसका है, वैसे तो स्पैम ही आते हैं, 90% कॉल भैया स्पैम ही आते हैं, थक जाते हैं हम तो। लेकिन 21 की माइलेज मैंने दिखा दी है। फिलहाल मैं आ गया हूँ भाई कहाँ, ये सोना है गाड़ी का, जो अभी गाड़ी जर उस पर थी, ये ब्रेकर हैं, गाड़ी का सस्पेंशन भाई बहुत ही ऐसे है, गाड़ी झटका नहीं मारती आपको, हल्का लगता है। और स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है इसका, फन टू ड्राइव है ये गाड़ी, स्पेशली मैनुअल भी मैंने चलाई थी गाड़ी, और मुझे तो बताऊँ मैनुअल भी भाई बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैनुअल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत ही हल्का गियर था इसका, ऐसे मक्खन की तरह लगाई थी। और दूसरे गियर में भाई ये झटका मार के रुकती नहीं है। फिलहाल 21.1 हो चुकी है जबकि मेरा अभी क्रूज भी नहीं लग रहा है, 21.1 है। एक ये आगे जा रहे हैं भाई, मेरे बाइक वाला इधर लहरा रहे हैं उधर लहरा रहे हैं, मतलब लहरा लहरा के चल रहे हैं। और चलते हैं ना भाई, जो चाहते हैं गाड़ी बीच के अंदर, वो बड़ा कतलेआम होता है। हम फंस गए ट्रैफिक में, आगे ट्रैफिक है। तो फिलहाल मेरी गाड़ी की मज़े दिखा दूँ, ब्लॉग को यहीं एंड करूँगा। 21 दिखा रही है भाई, क्रूज़ किया हुआ था। तो अब अगले व्लॉग पे आपको दिखाऊंगा कि मैं और लंबे रन पे चलूंगा गाड़ी को लेके। फिलहाल मैं आ गया हूँ सोना, ट्रैफिक आप देख लीजिए। तो 21 की माइलेज मेरी गाड़ी दिखा दी है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे, क्रूज़ के बारे में ही बताऊंगा मैं आपको, और सिटी का टैंक टू टैंक माइलेज भी इसमें आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद जय भारत। और ये गाड़ी भाई बहुत बड़े यूट्यूबर की है, और सामने जा रही है अपनी गाड़ी। और मैं अभी मैनुअल पे आ गया हूँ, और ये वही रास्ता है जहाँ अरुण भाई सारी वीडियो बनाते हैं अपनी, और जहाँ ये अपनी गाड़ी को फंसा देते हैं भाई। अगर मैं आ गया अपनी गाड़ी को दिखाने अरुण भाई को, अरुण भाई आ गए, अरुण भाई कौशिक ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आ जाना भाई अभी मेरी गाड़ी को, भाई ये आए रिव्यू करने के लिए, बहुत खुशी की बात है। हम नहीं आए, सर आए हमारे रिव्यू करने। भाई मैं अपना गांव मिस करता था, और आज लग रहा है भाई मैं अपने गांव में खड़ा हुआ हूँ। लगवाओ तो पीछे। हाँ लगवाओ, क्या दिक्कत है, अभी आ जाएगा इसी चीज में। हाँ मैं तो क्या सोच रहा हूँ, अपनी गाड़ी पे ना स्कॉर्पियो एन ही हटवा देता हूँ। कौन से, हम नेपाल गए थे सब, इसको BMW बता रहे थे। वो नेपाल में हुआ क्या? अरे वो आपको बाद में बताएंगे। आपको लगता है कि 5 स्टार होगी ये? भाई मेरे को तो ये कभी समझ में आता है, गाड़ी तो एक्सीडेंट हो आधी हो जाती है, 4-5 आ जाते हैं। अरे आकाश भाई खुद पेट थोड़ा पड़ा है, आकाश भाई अरुण को बुलाओ, अरुण वहाँ खूब जा रहा है, उम्र का थोड़ा डिफरेंस ही लग रहा है क्या? ये पेट का कह रहे हैं, इनका पेट देखो साइड से देखो भाई, मेरी तो उम्र एज का, मैं 50 साल का उम्र का भाई, 24 साल का मेरा मेरा इतना है आपके जितना, देख ले बिल्कुल है बिल्कुल है भाई। आकाश तू फुल कॉम्पिटिशन दे रहा है, वही तू भी मेरा ना है, नहीं इसका नहीं है।